जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रांच का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं टीमो प्रोडक्शंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। समझेंगे स्टॉक कैसा है, इसके शेयर प्राइस में तेजी कब आएगी, ताकि इस कंपनी में यदि किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उसको थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि बहुत दिनों से क्या है कि इसका स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बीच में ही बस प्राइस चल रहा है। तो इस वजह से जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है वो लोग काफ़ी उब गए हैं, तो उस चिंता को दूर करेंगे। और बता दूँ कि अभी पिछले ही साल दिसंबर में इसने स्टॉक स्प्लिट किया था, तो स्टॉक स्प्लिट करने के बाद मतलब एक चीज़ ये स्पष्ट है कि इस स्टॉक में समय समय पर कॉर्पोरेट टैक्सेस होते रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए। कॉर्पोरेट टैक्सेस होने से भी शेयर का प्राइस नहीं भी बढ़ता है, तो उससे एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। देखिए हम लोग इस कंपनी के काम धाम और बाकी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं BSE इंडेक्स वेबसाइट पर आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखेंगे आप कि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको अपर सर्किट में चलते हुए दिखेगा। यहाँ पर देख लीजिए तमाम, हालांकि बीच बीच में लोअर सर्किट भी लगता है, तो लोअर सर्किट तो इन दिनों लगातार देखेंगे तो तमाम स्टॉक्स में लग ही रहा है, लेकिन इस स्टॉक में अब जाके अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है मार्च के डेट से। और अपर सर्किट का मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक में तेजी आना शुरू हो गया है। तेजी कैसे आता है, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ गया, और जब जब किसी स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता है, बाई सेल होता है, तो उसके बाद उसमें तेजी आने के चांसेस होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पिछले ही साल इस स्टॉक ने आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस हुआ था इस स्टॉक में, आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक का स्प्लिट हुआ था, और आगे भी अभी जाके इस स्टॉक में इससे ये पता लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस होने के चांसेस बने रहेंगे। इस साल भी हो सकता है कि आपको डिविडेंड या बोनस कुछ मिलते हुए दिखे, तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना जरूरी है। अब बात करते हैं टीमो प्रोडक्शंस लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर हम लोग इसको काम को समझें, 2006 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद देखेंगे तो बेसिकली इंजीनियरिंग के सेक्टर में यानी कि आईटी सेक्टर में कंपनी कामकाज करती हुई नजर आएगी, और आईटी से रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो आईटी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं उनका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, क्योंकि आईटी की ज़रूरत चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिफेंस सेक्टर हो, कोई भी ऐसा सेक्टर हो, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, बिना इस चीज़ के काम नहीं बनेगा। तो काम के बिहाफ पे समझे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक हो जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना। और अब बाकी चीज़ों को समझते हैं इससे कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को। तो फंडामेंटल में देखेंगे तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की कंपनी, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, और पी देखेंगे 35 के आसपास से। तो हम लोग चार्ट पर लेवल देख के इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना उस लॉजिक को समझेंगे। अभी समझिए शेयर प्राइस 1.15 रुपये, जो कि बुक वैल्यू से ज़्यादा ये बढ़िया बात है। और सबसे कमाल की बात है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 15% के आसपास, एक छोटी कंपनी जो आपको साल भर में इतना परसेंट रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अब फंडामेंटल में और भी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चार्ट पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक साल के चार्ट पर देखिए, आपको पिछले साल इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, प्राइस बढ़ा, उसके बाद जब प्राइस गिरा तो फिर से जहाँ से समझिए कि प्राइस उठना शुरू हुआ था लगभग उसी रेंज में आके फिर से प्राइस आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि तकरीबन एक साल से स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। अब आप समझिए कमाने वाले जो लोग हैं ना, इस रेंज में भी अच्छे खासे लोग कमाई कर लिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस दो ही रेंज पे घूम रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जब भी नीचे आता होगा जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते होंगे और यहाँ पे बेच देते होंगे यहाँ पे, तो इस हिसाब से अच्छे खासे उनको कमाई हो जाती होगी। तो आपको क्या करना है, यदि आप रेंज बाउंड में प्ले करना नहीं जानते हैं तो आपको बस वेट करना है। यदि नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जब इस रेंज से प्राइस बाहर निकले, और एक बात आप समझिए कि जब भी इस कंसोलिडेशन से स्टॉक का प्राइस बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा कंसोलिडेशन फेज होता है उतना ही लंबा तेजी आता है, और तेजी जब ऊपर जाएगा तब आएगा। तो आप बस वेट कीजिए प्राइस को ऊपर जाने का, और मुझे उम्मीद है कि इस साल फिर से ये प्राइस ऊपर निकलेगा। आपको बस ध्यान देके इस पे नज़र टिका के बैठने की प्राइस इस रेंज से ऊपर कब निकल रहा है। जैसे ऊपर निकलेगा आप यहीं पे एंट्री कर लीजिएगा जहाँ से ऊपर निकले, आप इसमें एंट्री मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको वेट करना पड़ेगा कब तक प्राइस ऊपर निकलेगा, तो इससे आपको फेडअप होगा। आप बस वेट कीजिए प्राइस ऊपर निकलेगा, जैसे ऊपर निकलेगा वैसे आप एंट्री कर लेंगे यहाँ पर, और इजिली प्राइस आपको 3 रुपये तक तो इजिली जाएगा, और 3 रुपये के लेवल पर यहाँ पे आने के बाद कुछ देर समय बिताएगा, और समय बिताएगा फिर ऊपर निकलेगा तो आपको 5 से 7 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। बाकी किसी का इन्वेस्टमेंट है उसको भी यही सलाह दी जाएगी, बाबू आप बने रहिए, प्राइस जल्द ही ब्रेकआउट करेगा, और आप बेच के निकालना चाहते हैं तो बेच के निकल सकते हैं, इसमें बेचने से कोई फायदा नहीं है। प्राइस नीचे नहीं जाएगा, आप यकीन रखिए प्राइस निकलेगा तो इसके ऊपर ही जाने की इसमें चांसेस हैं। बाकी यदि बैलेंस शीट देखें इस स्टॉक का, तो आप देखेंगे इस स्टॉक के पास बिल्कुल ही डेप्ट नहीं है, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। हालांकि कंपनी के पास रिजर्व पैसा देखेंगे तो अभी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कंपनी के पास डेप्ट भी नहीं है। अब क्या होगा, कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, जैसे यहाँ पे यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखेगा कि कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका यहाँ पे माइनस में दिखेगा। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 19 लाख के प्रॉफिट हुआ है इस बार, लेकिन पिछले प्रॉफिट से एक कम है देखिए नेट प्रॉफिट। तो ये क्योंकि अब कंपनी के जाके यहाँ पे देखेंगे सेल्स बढ़ना शुरू हुआ है, सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी
हाँ, चूंकि अब कब कर्जा तो है नहीं कंपनी को, अब जो भी प्रॉफिट आएगा कंपनी के पास रोकड़ बचेगा, उस पैसे का कंपनी जब प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, जो रिजर्व जैसे मैंने बताया कि अभी नहीं है, वो बढ़ने लगेगा और बाकी पैसों का यूज़ करके कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करेगी। बाकी जो काम है, जो बिजनेस है कंपनी का, वो तो बढ़िया है ही, तो इस बेसिस पे इसमें तेजी आने के चांसेस रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो उम्मीद करता हूँ टीमो प्रोडक्शंस लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी मैंने दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।